हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका क्रिकेट लाइन गुरु के प्री मैच एनालिसिस सेगमेंट में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीएल 2020 के 15 मैच के बारे में जो खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में। भाई दोनों ही टीम्स के पास स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, लेकिन यहाँ आरसीबी के पास बैटिंग ऑर्डर में ज्यादा डेप्थ है, साथ ही स्पिन अटैक की क्वालिटी भी आरसीबी की राजस्थान से ज्यादा अच्छी है। वहीं राजस्थान की तरफ से संजू सैमसन बेहद लीथल फॉर्म में दिखे हैं और आईपीएल के फास्टेस्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर राजस्थान के पेस अटैक में जान फूंकते हैं। तो भाई पॉइंट्स टेबल पे 6 अंक लेके टॉप पे पहुंचने की इस लड़ाई में किसका पलड़ा भारी है, आइए सभी पहलुओं और स्टैटिस्टिक्स को सामने रखकर देख लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। और अगर आप भी हैं क्रिकेट के दीवाने और रहना चाहते हैं अप टू डेट, तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों ही टीम्स का हेड टू हेड कंपैरिजन कर लेते हैं। आईपीएल के इतिहास में अभी तक 21 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से राजस्थान ने 10 और आरसीबी ने 8 मैचेस जीते हैं। 2 मैचेस का कोई रिजल्ट नहीं निकला है और एक मैच रद्द कर दिया गया है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 2015 में आरसीबी ने बनाए हैं 200 रन और 2018 में राजस्थान ने ठोके हैं 217 रन। अगर दोनों ही टीम्स का एवरेज स्कोर देखें तो वो रहा है 140 के आसपास का। अब यहां पे अगर हम पिछले 2 सीजन की बात करें तो खेले गए 4 मैचेस में 3 बार राजस्थान ने हल्ला बोला है और एक मैच रद्द हो गया है। इस लिहाज से लास्ट टाइम बेंगलोर ने राजस्थान पे जीत दर्ज करी है 2015 में। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सेगमेंट पे फोकस करते हैं, जो है मैच वेन्यू। शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा ये 15वां मैच, जहां दोनों ही टीम्स इस वेन्यू पे सीजन का पहला मैच खेलने उतरेंगी। खैर अभी तक के रिकॉर्ड्स को देखें तो खेले गए 46 मैचेस में 20 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, तो वहीं रन चेस करने वाली टीम 26 बार। करंट कंडीशंस की बात करें तो अभी तक इस सीजन में 5 मैचेस खेले गए हैं स्टेडियम में, जहां 3 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, तो वहीं 2 बार रन चेस करने वाली टीम। अब यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि कहा जाता है ये पिच बल्लेबाजों को फेवर करती है, लेकिन वहीं महज 5 मैचेस में कुल 58 विकेट्स चटकाए जा चुके हैं, जिनमें से 37 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने चटकाए हैं, तो वहीं 19 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं और बाकी 2 विकेट्स रन आउट हुए हैं। अब जरा दोनों ही टीम्स को इंडिविजुअली एनालाइज कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। मुंबई के खिलाफ 10वें मैच में सुपर ओवर में जीत हासिल करने वाली विराट सेना एक बार फिर जीत के रास्ते पर चल पड़ी है। युवा बल्लेबाज देवदत्त पाटिकल और एक्सपीरियंस्ड एरन फिंच की जोड़ी टीम को बेहतर शुरुआत देने में कितनी सक्षम है, ये तो हमने पिछले मैच में देख ही लिया है, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी को लेकर अभी भी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। 3 मैचेस में मात्र 18 रन का योगदान देने वाले कप्तान विराट कोहली ने काफी निराश किया है। टीम को अगर टॉप 4 में बने रहना है तो विराट को जल्द ही फॉर्म में आने की जरूरत है। इस सीजन 3 मैचेस में 51, 28 और 55 रन बनाकर टीम के डिपेंडेबल प्लेयर एबी डिविलियर्स हर मैच में अपना बेस्ट देते दिखे हैं। आईपीएल 2020 के इमर्जिंग टैलेंट के तौर पर सामने आए शिवम दुबे आरसीबी की टीम में पॉजिटिविटी लाते दिखे हैं। हालांकि बल्ले से इन्होंने कुछ ज्यादा अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन 3 मैचेस में 4 क्रूशियल विकेट जरूर चटकाए हैं। उमेश यादव की जगह इसुरु उडाना को मौका दिया गया है, जिन्होंने पहले ही मैच में 2 विकेट अपने नाम किए हैं। अब अगर टीम को राजस्थान की बैटिंग लाइनअप को ढेर करना है तो नवदीप सैनी को सधी हुई गेंदबाजी करने की जरूरत है। ये तो हो गई आरसीबी की बातें, अब जरा दूसरी टीम राजस्थान रॉयल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई लगातार 2 मैचेस जीतने के बाद आखिरकार राजस्थान को केकेआर के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। जॉश बटलर, स्टीव स्मिथ और संजू सैमसन किसी भी बॉलिंग अटैक को हिला के रख सकते हैं, लेकिन यहां जॉश बटलर को सेट होने में काफी परेशानी हो रही है, जिसके कारण टीम को अभी तक अच्छी शुरुआत नहीं मिल पाई है। 3 मैचेस में 201 के स्ट्राइक रेट के साथ 167 रन बनाने वाले संजू सैमसन टीम को लीड करते दिखे हैं और उन्हें कप्तान स्टीव स्मिथ का अच्छा सपोर्ट प्राप्त हुआ है। यहां पे 3 मैचेस में 77 रन और 4 विकेट चटकाने वाले राहुल तिवतिया ने सभी को दिखा दिया कि वो कितने डेंजरस हो सकते हैं और अब सभी की निगाहें उन पर रहने वाली हैं। बेन स्टोक्स की कमी को पूरा करने वाले ऑलराउंडर टॉम करन मिडिल ऑर्डर में अच्छी हिटिंग करने का दम रखते हैं और यहां पे राजस्थान के टॉप बॉलर जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी के साथ साथ बल्ले से भी कमाल दिखा रहे हैं और टीम को लोअर मिडिल ऑर्डर में स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। टीम के वीक लिंक पे अगर नजर डालें तो वो है रॉबिन उथप्पा और युवा खिलाड़ी रियान पराग, जो लगातार अपने लचर प्रदर्शन से टीम को कमजोर करते दिखाई दिए हैं।
दोस्तों अब जरा आगे बढ़ते हैं और दोनों ही टीम्स के संभावित 11 खिलाड़ियों पे फोकस करते हैं। बेंगलोर की टीम से हो सकते हैं देवदत्त पाटिकल, अरोन फिंच, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, गुरकीरत सिंह मान, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, इजुरू उडाना, नवदीप सैनी, एडम जैम्पा और युजवेंद्र चहल। वहीं राजस्थान के संभावित 11 खिलाड़ियों में हो सकते हैं जॉर्ज बटलर, स्टीव स्मिथ, संजू सैमसन, रॉबिन उथप्पा, रेयान पराग, राहुल तिवतिया, जोफ्रा आर्चर, टॉम करन, श्रेयस गोपाल, अंकित राजपूत और जयदेव उनादकट। भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए ये सारा एनालिसिस किया गया है और क्रिकेट तो वैसे भी अनिश्चितताओं का खेल है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होने के चांसेस जरूर है। अब यहाँ पे सारे एरियाज को देखने और प्लेयर्स के बारे में जानने के बाद पिच रिकॉर्ड्स को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के चांसेस यहाँ थोड़े ज्यादा लग रहे हैं जीतने के। लेकिन दोस्तों अगर दोनों ही टीम्स को आमने सामने रखा जाए तो यहाँ पे बेंगलोर की टीम थोड़ी ज्यादा सेट लग रही है और इसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल क्रिकेट लाइन गुरु के साथ।